Once again, hello dear students. Today we will discuss the topic adjunction of roots, and this is the first video lecture for the first video lecture on this topic in the subject field theory for MSc Mathematics. So I, Dr. Bharat Goyal from Department of Mathematics, GSS DGS Khalsa College Patiala, welcome you all in this video lecture. So in this topic, the first subtopic is the extension of a field. पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं. इस टॉपिक में हमें बेसिकली फाइनल हम उस जहां पर पहुंचने वाले हैं वो ये होगा एडजंक्शन ऑफ रूट्स. जो है इसका मतलब ये होता है कि एक फील्ड को हमने एक्सटेंड करना है, उसकी एक्सटेंशन देखनी है कि एक जो गिवन फील्ड है उसको उसमें हम कौन से और एलिमेंट्स ऐड करें जिससे रिजल्ट फिर से दोबारा से एक फील्ड आ जाए. तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर कोट कर रहा हूँ कि क्यू के बाद हमारे पास एक ये वाली फील्ड होती है विच इज क्यू अंडर रूट टू. और क्यू अंडर रूट टू की जो डेफिनेशन है वो ये रहती है ए प्लस बी अंडर रूट टू वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू. ये हमारे पास क्यू अंडर रूट टू की डेफिनेशन है. तो अभी क्या है, ये वाला जो क्यू अंडर रूट टू है ये भी एक फील्ड होता है और ये क्यू है जो ये भी एक फील्ड है. इसका मतलब क्यू अंडर रूट टू जो है वो क्यू का एक एक्सटेंशन होता है. लेकिन ये एक्सटेंशन हमने किस एलिमेंट की हेल्प से क्रिएट किया है, अंडर रूट टू की हेल्प से. अभी ये जो अंडर रूट टू हमने क्यू के साथ एडजंक्ट किया है और ये जो एडजंक्ट किया है ये एक किसी पॉलिनोमियल का रूट होगा. ये आगे वाले फर्दर टॉपिक में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो आपको ये क्लियर होता रहेगा कि कैसे हमें इस एक पॉलिनोमियल का जो रूट है वो हमें कैसे इसमें एडजंक्ट करना है एक गिवन फील्ड. तो फाइनल हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पर आके कंसोलिडेट होगा कि हाउ टू एडजंक्ट ए रूट इन ए गिवन फील्ड. और ये जो डेफिनेशन है ये भी कोई बाय क्रैमिंग नहीं है, इस टॉपिक के एंड तक आपको पता लग जाएगा. अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है, आगे भी वीडियोस जो आएंगे इस टॉपिक पे तो उसमें एंड तक आपको पता लग जाएगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ सेट. क्या वो अंडर रूट टू क्या ये क्रैमिंग है कि हमें सपोज करना है? नहीं, ये क्रैमिंग नहीं है. तो ये बिल्कुल एक क्राइटेरिया है जिसके जिस क्राइटेरिया की हेल्प से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते. तो इस टाइप के जो हमें फील्ड्स हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं वो इस टॉपिक के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा. तो एडजंक्शन ऑफ रूट्स में जो पहला सब टॉपिक है वो है हमारा एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड. तो एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड जो है इसके बारे में मैं बात करूंगा क्या होती है. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया भी है कि क्या वो अंडर रूट टू था और क्या वो था, क्या वो अंडर रूट टू क्या उसे बड़ा है तो वो उसकी एक एक्सटेंशन है. तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड है इसकी डेफिनेशन, ये अगर एफ है, अगर एक सब फील्ड है फील्ड ई का, तो जो ई है जो बड़े वाला फील्ड है इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ और सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ. इसको हम ई को एफ का एक्सटेंशन फील्ड बोलेंगे या सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि ये एफ की एक एक्सटेंशन. इफ ई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ वी डिनोट दिस फैक्ट बाय द डायग्राम. अब डायग्राम देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सी डायग्राम. क्या करना है आपको, जस्ट जो छोटी फील्ड है उसको नीचे लिखना है और जो उससे बड़ी फील्ड है उसको आपने ऊपर लिखना है और ये एक टावर की फॉर्म में हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. छोटी फील्ड एफ है और बड़ी फील्ड हमारे पास ई है. तो ये बस सिंपल सी बात है, जो ई है वो एफ से बड़ा होगा. ई जो है एफ को कंटेन करेगा और दोनों के दोनों फील्ड्स हैं तो ई को हम बोलेंगे एक्सटेंशन. अब ये आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर, इफ ई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ देन इफ ई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ then trivially E is a vector space over F and the dimension of E over F is usually written as by this notation. अब इस बात का क्या मतलब है, इसको हमें ध्यान से समझना है. E is a vector space over F. When we talk about a vector space, then we must have a space and a field. We have two sets. One is a space to which we have to verify it is a vector space, and one is a field from where we have to take the scalars.
एंड वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में होता था, एक होता था इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन जिसको हम प्लस के साथ डिनोट करते थे, और एक होता है वहां पे इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन जिसको हम सिंपल डॉट से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर्स के बीच में ही होता है, जो वी के एलिमेंट्स हैं उनके लिए होता है, और इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये वेक्टर स्पेस वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा सारा, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होता है, इसकी पांच प्रॉपर्टीज इसके रिलेटेड होती हैं इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन को लेके, जिसमें सिर्फ वी के ही दो एलिमेंट्स हमें लेने होते हैं, और ए प्लस बी वी के ही दोनों एलिमेंट्स की जो एडिशन है या जो भी ऑपरेशन है उसको डिफाइन किया होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, और वही पांच प्रॉपर्टीज हमें वेरीफाई करनी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। और जो आगे की पांच प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें एक एलिमेंट रहता है वी का और एक एलिमेंट रहता है एफ का, यानी कि एक होता है स्केलर और एक होता है वी का एलिमेंट। ये अल्फा जो है वो स्केलर है जो एफ का एलिमेंट है, और एक्स जो है वो वी का एलिमेंट है जो कि वेक्टर है। तो इनको लेके पांच प्रॉपर्टीज रहती हैं, अगर वो सारी की सारी वैलिड हो तो टोटल 10 प्रॉपर्टीज होगी, पांच होगी इंटरनल कॉम्पोजिशन के लिए और पांच होगी एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। तो वी जो है वो एक वेक्टर स्पेस बन जाता है ओवर द फील्ड एफ, जिस फील्ड में से हमने स्केलर लिए उसके ओवर हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली ई आ गया हमारे पास, तो आप ऑब्वियसली चेक कर सकते हैं ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप स्केलर्स एफ में से लेंगे, और ऑब्वियसली अगर आप स्केलर्स कह रहे हैं एफ में से ले रहे हैं तो एफ किस में कंटेंड है, ई में। इसका मतलब ये स्केलर जो है ये भी आप कह सकते हैं एक्चुअल में है तो एफ का ही एलिमेंट, लेकिन ये एक्चुअल में किसका एलिमेंट भी कंसीडर हो सकता है, ई का ही एलिमेंट। तो इसमें भी जो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है इसमें भी एक तरह से दोनों के दोनों एलिमेंट किसके ही बन गए, ई के ही बन गए। तो ई तो एक फील्ड है, तो इसी वजह से सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली ट्रू होंगी ही होंगी। सो दैट्स व्हाई यहां पर लिखा है ट्रिवियली ई इज ए वेक्टर स्पेस ओवर। और अगर ई वेक्टर स्पेस है एफ के ओवर तो हम ई की डायमेंशन जो है वो जरूर फाइंड कर सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ वी कैन फाइंड इट, एंड इट इज यूजली रिटन एज बाय दिस नोटेशन, डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ बाय दिस नोटेशन। सो दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ, और यू कैन से इट इज ए डिग्री ऑफ ई ओवर एफ। तो ये इस पॉइंट का मतलब था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा ये वही बात होगी कि डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ कंसिडर्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ई ओवर एफ, देयरफॉर द डिग्री इज रिटन बाय दिस नोटेशन, डायमेंशन ई ओवर एफ इसी को ही हम डिग्री बोलते हैं। अब अगली बात है कि अगर ये डायमेंशन फाइनाइट होगी, इफ डायमेंशन ई ओवर एफ इज लेस देन इंफिनिटी देन ई इज कॉल्ड ए फाइनाइट एक्सटेंशन। ई को हम बोलेंगे एफ ई फाइनाइट एक्सटेंशन। अगर ये डायमेंशन फाइनाइट आए, लेस देन इंफिनिटी मींस अगर ये डायमेंशन फाइनाइट आए। और कई बार ऐसे भी होता है कि वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास जो बेसिस है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में डायमेंशन इनफाइनाइट हो जाती है, तो हम बोलेंगे इट इज ए इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो मीनिंग है वो स्पेस के एलिमेंट्स के साथ नहीं है कि उस स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइटली मैनी है या इनफाइनाइटली मैनी है। फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पर रहेगा डायमेंशन के साथ, कि अगर डायमेंशन फाइनाइट है तो जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो एक फाइनाइट एक्सटेंशन है। इस बात को गौर करना है, फील्ड के एलिमेंट्स की गिनती के अकॉर्डिंग नहीं हम कह रहे, हम डायमेंशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। अगर बेसिस एलिमेंट्स जो है फाइनाइट गिनती में है तो वो एक्सटेंशन फाइनाइट एक्सटेंशन है, अगर बेसिस के एलिमेंट्स इनफाइनाइट गिनती में है या बेसिस कह लीजिए एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऐसी एक्सटेंशन क्या है, इनफाइनाइट एक्सटेंशन। इन कुछ बातों पे गौर करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा इसमें कि अगर हमारे पास एफ ई में कंटेंड है और ई जो है के में कंटेंड है, तीन फील्ड्स हैं हमारे पास, एफ कंटेंड इन ई, ये टावर फॉर्म में मैं इसको बना देता हूं, और ई कंटेंड इन के, तो K की डायमेंशन ओवर E फाइनाइट है और E की डायमेंशन ओवर F जो है वो फाइनाइट है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ये डायमेंशन फाइनाइट है लेस देन इंफिनिटी है और ये डायमेंशन लेस देन इंफिनिटी है, तो
तो हमारे पास के की डायमेंशन ओवर एफ ये भी क्या होगी, लेस देन इंफिनिटी। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम, और लेस देन इंफिनिटी होगी, और साथ की साथ ये पूरी डायमेंशन जो है के की ओवर एफ, ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, जो भी ये आएगा के इंटू ई और ई इंटू एफ, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, ये हमें वेरीफाई करना। तो इसके लिए प्रूफ देखिए कैसे कंटिन्यू करते हैं। के की डायमेंशन ओवर ई फाइनाइट दे रखी है, तो इसका मतलब एक बेसिस होगी के की ओवर ई। इसी तरह से ई की डायमेंशन ओवर एफ फाइनाइट दे रखी है, तो एक बेसिस होगी ई की ओवर एफ। अब ओवर का मतलब ये होता है ना कि जो स्केलर्स हैं वो हमें ई में से चूज करनी है जब के की बात होगी, और ई ओवर एफ है तो इसका मतलब जब ई के एलिमेंट्स की बात होगी तो स्केलर्स एफ में से चूज करनी है। तो पहले इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ये बेसिस है के ओवर ई, तो हमने के में से कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया तो ये इसकी बेसिस है, इसी वजह से ये इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू m ए आई वी आई। अब ए आई जो है वो स्केलर्स हैं, क्योंकि ये ओवर ई है तो स्केलर्स हमें किस में से चूज करने हैं, ई में से। अब अगर ए आई ई के एलिमेंट है तो ई की बेसिस कौन सी थी हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास ई की बेसिस कौन सी थी, डब्ल्यू वाली, और कितने थे, एन। तो इसी वजह से अगर ये हर एक ए आई ई का मेंबर है तो इस ए आई को हम इन डब्ल्यू के समीशन में लिख सकते हैं। अब ये ए आई कितने हैं, गिनती में एम है, तो एम सभी के सभी ए आई को हमने एक्सप्रेस करना है, ए वन ए टू ए एम सभी को। तो दैट्स वाई दो इंडेक्सेस हमने यहां पर यूज करे, ये वाला आई जो है बी के साथ, ये रिप्रेजेंट करता है ए की पोजिशन को, अगर ए वन है तो बी वन यहाँ पर वन फिक्स हो जाएगा, जे वेरी करता रहेगा, अगर ए टू है तो टू फिक्स हो जाएगा आई, और जे वेरी करता रहेगा। तो इसी तरह से ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ई की बेसिस ओवर एफ का, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं बी आई जे वो यहाँ पर किस में रहेंगे, एफ में। अब क्या करेंगे, ये ए आई की वैल्यू जो है वो प्रीवियस जो समीशन था फर्स्ट नंबर, उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो ये था यू यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर हम ए आई की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते, तो हमारे पास ये समीशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब के का एलिमेंट एक्सप्रेस हो गया इसमें, वी आई डब्ल्यू जे इसमें एक्सप्रेस हो गया, और स्केलर्स देखिए किसमें आ रहे हैं, स्केलर्स किसके थे, ये एफ के, तो के का एलिमेंट एफ के एलिमेंट्स में से स्केलर्स लेके एक्सप्रेस हो गया। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं वी आई डब्ल्यू जे, इनको काउंट कीजिए, ये कितने हैं, एम इंटू एम, फॉर्म्स ए सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस के ओवर एफ, क्योंकि स्केलर्स जो एफ में से लिए हैं तो ओवर एफ ये रिप्रेजेंटेशन हम बोलेंगे। तो जनरेटिंग सेट कैन बी रिड्यूस टू फॉर्म ए बेसिस, तो इसका मतलब जो जनरेटिंग सेट होता है इसको रिड्यूस करके बेसिस बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये पहले ही फाइनाइट है, अगर हमें इसको रिड्यूस भी करना पड़ गया तो गिनती फाइनाइट ही आएगी, सो दैट्स व्हाई डायमेंशन के ओवर एफ इज फाइनाइट। ये फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट के लिए क्योंकि जनरेटिंग सेट तो हमने बना लिया, यू आई वी जे वी आई डब्ल्यू जे इज ए जनरेटिंग सेट, सो नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो इसका कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो रखेंगे, सी आई जे बिलोंग्स टू एफ। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो सी आई जे डब्ल्यू जे है इसको हम नाम देते हैं सी आई जे डब्ल्यू जे, इसको हम नाम देते हैं लेमडा आई, और सी आई जे क्योंकि एफ के मेंबर हैं, डब्ल्यू जे बेसिस थी ई की ओवर एफ, तो ये कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली किसका मेंबर हो गया, ई का। तो ये समीशन हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ ये रहे, तो अभी ये इक्वल टू जीरो है, और बट यहाँ पर आप देखिए कॉम्बिनेशन किन का है, वी आई का, और वी आई का सेट भी क्या था हमारे पास, बेसिस, तो इसी वजह से ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, तो ये सारे स्केलर्स जीरो आ गए। अब अगर लैम्डा आई जीरो है तो यहाँ पर आप लैम्डा आई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये वाला समीशन भी जीरो, और ये डब्ल्यू जेस भी बेसिस एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास फाइनली आ गया सी आई जेस आर ऑल्सो जीरो। तो अभी आप देख सकते हैं आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू एम, जे वेरिंग फ्रॉम 1 टू एम था, तो सारे सी आई जेस जीरो है, सो दैट्स वाई दिस कलेक्शन इज ऑल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट, एंड स्पैनिंग जो था हमने पहले पार्ट में प्रूव कर रखा है, तो इसका मतलब ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो गया और जनरेटर भी है, ये एलिमेंट्स जो जनरेट भी करते हैं के को ओवर एफ, सो इसी वजह से ये डायमेंशन कितनी होगी, फिर ये कितने एलिमेंट्स थे, एम इंटू एन, तो के एफ डायमेंशन कितनी होगी, एम एन, एम डायमेंशन थी के ओवर ई और एन डायमेंशन थी ई ओवर एफ। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था इस थ्योरम का, उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम का प्रूफ समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।